आईपीएल 2019 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जाना किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच। यह मुकाबला खेला जाएगा सनराइज हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। जब ये दोनों टीमें आईपीएल 2019 में पहली बार आमने सामने हुई थी मोहाली में, तो वहां पर किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइज हैदराबाद को हरा दिया था। वहीं पर आईपीएल के प्रदर्शन की बात करें दोनों टीमों की, तो अब तक दोनों टीमें यहां पर प्लेऑफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो अपने 11 मुकाबलों में किंग्स इलेवन पंजाब ने 5 मुकाबले जीते हैं, वहीं पर 11 मुकाबलों में सनराइज हैदराबाद ने भी 5 ही मुकाबले जीते हैं। यानी कि दोनों टीमें इस समय अंक तालिका में बराबर पर हैं और उन्हें अपने बचे हुए सभी मुकाबले यहाँ पर जीतना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच की प्लेइंग 11 की, और साथ ही बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। दोस्तों, प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शन जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं होम टीम सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं यहाँ पर केन विलियमसन कप्तान, और उनके साथ होने वाले हैं डेविड वार्नर। दोनों शानदार बल्लेबाज हैं। यहाँ पर डेविड वार्नर ने आईपीएल 2019 में काफी शानदार प्रदर्शन किया है, और एक बार फिर यहाँ पर केन विलियमसन से भी फॉर्म की उम्मीद होगी। वो भी शानदार यहाँ पर फॉर्म दिखाकर टीम को बड़ा स्कोर के लिए शानदार शुरुआत दे सकते हैं। इसके बाद बात करें नंबर 3 के, तो यहाँ पर उतरने वाले हैं मनीष पांडे, नंबर 4 पर विजय शंकर, नंबर 5 पर साकिब अल हसन, नंबर 6 पर दीपक हुड्डा और नंबर 7 पर रिद्धिमान शाह। यहाँ पर इस टीम के पास शानदार बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनीष पांडे के अलावा कोई भी बल्लेबाज इस समय फॉर्म में नहीं है। तो उम्मीद है कि बाकी के बल्लेबाज फॉर्म में लौट आएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी यहाँ पर विजय शंकर से, और उनके साथ साथ साकिब अल हसन और दीपक हुड्डा को भी यहाँ पर शानदार पारियां खेलनी होगी। इसके बाद बात करें यहाँ पर गेंदबाजों की, तो गेंदबाजी में आते हैं यहाँ पर नंबर 8 पर राशिद खान, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर सिद्धार्थ कौल और नंबर 11 पर खलील अहमद। यहाँ पर गेंदबाजी इस टीम की शानदार है, लेकिन उम्मीद है कि अब पिछले 2 मैचों में इनकी गेंदबाजी उतनी शानदार हो नहीं पाई है। उम्मीद है यहाँ पर कि ये गेंदबाज अपनी फॉर्म में लौट आएंगे इस मैच में। वहीं पर अब बात कर लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग 11 की। तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से उतरने वाले हैं ओपनिंग में क्रिस गेल, और उनके साथ होने वाले हैं लोकेश राहुल। दोनों आईपीएल 2019 में काफी शानदार फॉर्म में हैं, और इस समय यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, और हैदराबाद के इस मैदान में काफी रन बनते हैं जहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। खासकर की क्रिस गेल पर सबकी निगाहें रहेगी। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 4 पर यहाँ पर आने वाले हैं डेविड मिलर, नंबर 5 पर निकलेश पूरन, नंबर 6 पर मनदीप सिंह और 7 पर आर अश्विन। इस टीम के कैप्टन है आर अश्विन, और यहाँ पर बल्लेबाजी इस टीम के पास काफी शानदार मौजूद है। जहाँ पर शानदार बल्लेबाज इस टीम के पास है, डेविड मिलर और मयंक अग्रवाल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पर निकलेश पूरन ने भी शानदार प्रदर्शन किया था आरसीबी के खिलाफ, और एक बार फिर उम्मीद है कि उसी तरह का प्रदर्शन करके दिखाएंगे यहाँ पर, और आर अश्विन से भी उम्मीद है कि वो यहाँ पर गेंदबाजी से कमाल करके दिखाए। इसके बाद बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर मुर्गन अश्विन, नंबर 9 पर हार्दिक विलजोइन, नंबर 10 पर अंकित राजपूत और नंबर 11 पर उतरने वाले हैं मोहम्मद शमी। इस टीम के पास गेंदबाजी भी शानदार है, लेकिन इनके पास छठा ऑप्शन मौजूद नहीं है इस गेंदबाजी का लाइनअप में, लेकिन यहाँ पर फिर भी शानदार टीम है, और इन्होंने पूरे आईपीएल में काफी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। एक बार फिर उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे ये गेंदबाज। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो मैच प्रेडिक्शन में यहाँ पर होम ग्राउंड होने वाला है सनराइज हैदराबाद का, और सनराइज हैदराबाद ने इस साल इस मैदान में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं पर उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके ओपनर जो काफी शानदार फॉर्म में थे जॉनी बेरिस्टो, वो वापस जा चुके हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पारी की शुरुआत में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर पारी की शुरुआत धीमी हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर टीम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी डेविड वार्नर मौजूद रहेंगे, अगर डेविड वार्नर को रोकने में कामयाब हो पाई यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब, तो ये मुकाबला जीत जाएगी किंग्स इलेवन पंजाब। मेरे प्रेडिक्शन ये है कि ये मुकाबला जीतने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब। आपकी प्रेडिक्शन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपसे भी।